ये लोग बस यहाँ रोज आ जाते हैं और बैठ के पीते रहते हैं। इन्हें कोई काम धंधा तो करना नहीं है। ये ले, मुझे सब अकेला छोड़ देते हैं। अरे तो रोता क्यों है? तुम सब लोग इसी लायक हो, मेहनत करके कुछ करने के बजाय यहाँ बैठ के बस जिंदगी खराब करते रहते हैं। और एक ये है जिन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है, बेचारे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई धुन बजाओ जो आज तक किसी ने सुनी ना हो। ये हमें नीचा दिखाने आए हैं। खुद तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाते और हमें अकड़ दिखा रहे हो। हमें पता है तुम लोग कितने पानी में हो। सुन लो, हमें कम मत समझना। एक समय वो भी था जब डेविस को हमने जिताया था, समझे ना? अब निकल जाओ यहाँ से। अरे इतनी हिम्मत! जो बीत चुका हो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम पीछे हटो। संगीत तेरी मेरी या किसी की जागीर नहीं है। एक क्लैरोनेट एक साज है जिसकी पूजा करनी चाहिए, और डेविस, इसमें ईश्वर का वास होता है। इसे सीखने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास हो या ना हो, ये क्लैरोनेट हमारा जीवन है। इसका मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। जरा ईश्वर से डरो। ए, यहाँ खड़े होके प्रवचन देने वाले तुम लोग होते कौन हो? बड़े आए हमें समझाने वाले, खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस बार ये बैंड कॉम्पिटिशन हमारी टीम जीत कर आई है, जिसके इनाम में मिला है हमें ये कप, जिसमें भी दम हो कोई भी मुझसे आकर लड़ाई कर सकता है। साल में हमें एक बार मौका मिलता है कि कला का प्रदर्शन कर सके, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तुम लोग यहाँ पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम सब मिलके अच्छे से रिहर्सल करते। अगली बार के लिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम लोग जीत नहीं सकते? हम जरूर जीतेंगे। अरे कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए ना आप लोगों को। अरे देखिए भाई, क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से? देखिए फादर, हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब के लिए लुईस पप्पन और स्टेफन आर्शन ने क्या क्या किया है। इन्होंने हमेशा गांव की इज्जत बचाई और इनको इस सेवा का फल इस तरह से मिल रहा है, इनके जैसा कोई नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें इस गांव के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ गलत नहीं है? क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने। रुक जाओ, गलत है। ऐसा है, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। इस तरह के मतभेद यहाँ चर्च में करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अरे तुम्हें इतने मौके दे चुके हो, कितने मौका दे? इतने तो मौके दिए और कितने मौके चाहिए? बात अभी चल रही है, उसके बारे में जवाब दो। सिर्फ अभी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, जवाब दो। ये नहीं होगा, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। एक समय था जब कुमारन करी का नाम सेंट जॉर्ज बैंड से जाना जाता था। उस समय बैंड को चलाने वाले व्यवसायिक नहीं थे और सभी के लिए क्लैरोनेट सिर्फ एक साज नहीं था बल्कि जिंदगी थी। लेकिन आज सब बैंड का हिस्सा इसलिए बने हैं ताकि कमा सके। उस समय हम सब मेहनत करते थे, इसलिए हमारा बैंड प्रसिद्ध था। आज चर्च में आने वाले लोग अपने बच्चों को कितना सीखने के लिए भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर गांव का हर बच्चा सीखना चाहता या सीखने की भूख होती। पर क्या भूख है? मुझसे प्रश्न करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। मैंने संगीत की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, क्या यही दिन देखने के लिए? बैंड के भविष्य के लिए हम सबको मिलके इस बारे में कोई उपाय निकालने चाहिए। अगर आपको ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है, बाकी जैसी आपकी मर्जी, आता हूं मैं। सही बोल रहे हैं भाई, 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 भाई ये जमाना नया है, कुछ गलत उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। अरे क्या सही कर रहे हैं? चलो चलो चलते हैं। सही बोला उन्होंने।
क्या सोच रहे हो पप्पन? सुनाओ ऐसा पुराना किस्सा जो आपको याद हो। हम सब चर्च में बजाया करते थे, बहुत जोश हुआ करता था सब में। पानी के बीचों बीच चांदनी रात में बहुत मजा आता था। बेटा, स्टीफन के क्लैरिनेट की धुन कानों में मिठास घोल दिया करती थी, और वहीं हम दोनों जुगलबंदी किया करते थे, और गांव के लोग भी शामिल होते थे। वो चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है, जैसे सुरों की दोस्ती प्रकृति से हो रही हो। साथ में रियाज करना, नई नई धुनें बनाना, कितना आनंद आता था। इसी की वजह से बजाने में मजा आता था, कितनी खुशी मिलती थी। जब हम दोनों मिलकर स्टीफन की वो धुन बजाते थे, पर सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त चला गया, मुझे अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आज स्टीफन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। संगीत का माहौल जो तब था वो अब नहीं है। अब तो बस हमारा बैंड ही बचा है। सही कह रहे हो, मैं समझता हूँ आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती होगी। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुँचने वाले हैं। इस भावना को आज के लोग क्या समझेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर आपकी तपस्या को ऐसे विफल नहीं करेगा। तुम लोग एक बात बताओ, दारू पीना क्या गलत बात होती है? ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। तुम सब के नाम सबको चढ़ती है पर मुझे नहीं चढ़ी। मुथु चाचा, बोट आ गई, मैं निकलती हूँ। मैं निकल रही हूँ, बोट आ गई है। पीते गए एक दिन। माँ ने तुझे जो काम कहा था ना, उसे याद से कर लेना। मैंने ऑफिस में सारे पैसे भर दिए हैं, मैं जाके आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओह, जो काम कहा है यहाँ से कर लेना, इसके चक्कर में काम मत भूल जाना। वैसे तुम भुलक्कड़ भी हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ यहाँ से। अब इसे क्या बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसी है इसे बात करने की? ए, अभी तो सिर्फ मैंने बोला है, अगर मेरा बचले तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझ गए? हाथ लगा के दिखा। अरे क्लारा, वो देखो वोट आ गए तुम्हारे। बढ़िया, इस समझाने वाली। तुम ये खाओ ना। प्लीज। ये हमारे गांव में कौन आ गया? क्या बात है, हमारे गांव में भी अजूबे आते हैं। ओके, सी यू। थैंक यू। यू डांस वेरी वेल। यू टू। बाय बाय। भैया, एक नींबू सोडा देना। भैया, वो चर्च। इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ,
अमेरिका से आए हो या फिर मुंबई से? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ना पता लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही था। ये बताइए आपका सामान किधर है? मेरा सामान दूसरी बोट से आ रहा है, कल तक आ जाएगा। हाँ, ये बताइए अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे पास में चर्च है ना, यहाँ कुमारन करी में सभी लोग पुण्य कर्म के लिए आते ही रहते हैं। आइए बैठिए, मैं चर्च ले चलता हूँ अपनी रामदुलारी पे, यानी मैं चर्च का मुख्य महाराज औसेफ। क्या महाराज? अरे वाह भैया, ये लीजिए। महाराज जी, अभी अभी ताजी पकड़ के लाया हूँ, आप चाहो तो आपको कम दाम पे दे सकता हूँ। क्या करूँगा इसका? शाम की प्रार्थना के बाद आप चर्च में फादर को बना के खिला सकते हो। इसे आप ले जाइए मेरी तरफ से, फादर खुश हो जाएंगे। वाकई में बहुत ताजी है। बेचारी ये मछली गई काम से, महाराज अपनी रसोई में अपने इस भूखे पेट की आग बुझा दे, क्या पता। आमीन। इसको जरा पकड़िए। हाँ पकड़िए। मछली को पकड़ के ये गधे के साथ कहाँ चल पड़ा? आपको पता है कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है, और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना, फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम। हाँ। फादर जोसेफ का जूनियर। आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। ना वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओ वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब ये इम्पोर्टेड शर्ट है? हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ, और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब कंफर्टेबल? अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूच के बारे में, सूच के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो, ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी जी ठीक है। एक बात बताइए, वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूँ कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। क्या पता विटोली को किसने भेजा है, आ ही गया है तो देखते हैं।